सिरसा के सांसद सुनीता दुगल ने कहा कि सिरसा की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार कमल खिलेगा। इसके साथ साथ फतेहाबाद की 3 सीटों और नरवाना की 1 सीट जो कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आती है, 9 की 9 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। सुनीता दुगल आज सिरसा रेस्ट हाउस में सिरसा मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के ऊपर मीडिया से रूबरू हो रही थी। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नरवाना, रतिया, फतेहाबाद पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 6 तारीख को मुख्यमंत्री सिरसा में आएंगे। इसी को लेकर सभी मंडलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। आज सिरसा मंडल की बैठक थी जिसमें कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि साथ ही बैठकों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं से भाजपा की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी 5 और 6 तारीख को सिरसा लोकसभा में आ रहे हैं और वो नरवाना से शुरू करके और उसके बाद फिर रतिया, टोहाना, फतेहाबाद होते हुए 6 तारीख को यहाँ सिरसा में प्रवेश करेंगे और उसी संदर्भ में सभी जितने भी हमारे मंडल हैं उन सब की बैठक ली जा रही है। और इसके साथ साथ 8 तारीख को आप सब लोगों को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रोहतक में आ रहे हैं तो उसमें भी हमारे पन्ना प्रमुख तक के जो लोग हैं वो वहाँ पर उस बैठक में भारी संख्या में पहुँचेंगे। तो उसी संदर्भ में हमारे जितने भी मंडल हैं उन सभी मंडलों की एक एक करके बैठक ली जा रही है। आज जो है वो सिरसा जो हमारा विधानसभा है उसके सभी मंडलों की बैठक है जिसमें दड़बी मंडल है, सिरसा 1 है, सिरसा 2 है, इन सब की बैठक जो है आज ली जाएगी। सबसे पहले जो है दड़बी मंडल की बैठक है और कल कालांवाली की और रानिया की वहाँ की बैठक ली गई थी। तो उसी संदर्भ में ये पार्टी की जो है वो बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ही रही है कि हमेशा तैयार रहना चाहिए और चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है। तो मुझे लगता है इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह और जोश भरने की ज़रूरत है। और उसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सबकी बैठक लेकर और उनको जो है उनको प्रेरणा देने का काम किया, उनमें जोश भरने का काम किया। तो उन्हीं बैठकों की ये सिलसिला जो है जारी है। लोकसभा में पहली बार कमल का फूल आपने खिलाया, 500 विधानसभा में क्या लगता है? 5 विधानसभा में भी कमल का फूल जरूर खिलेगा। जिस तरह से लोगों में उत्साह है और आपने देखा कि मार्जिन कितना अच्छा था, 3,10,000 के करीब का मार्जिन था। और दूसरी बात, 9 की 9 विधानसभाओं ने हमने जीत दर्ज की है। एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है कि जहाँ पर जो है हम लोगों ने हार का मुँह देखा हो। और मुझे लगता है कि इसीलिए हमें सबको बहुत ज़्यादा इस बात का उम्मीद है कि हमें आशा है कि हम यहाँ पर 5 जो है सिरसा विधानसभा की, 5 जो है सिरसा जिले की और 3 जो है फतेहाबाद जिले की और 1 नरवाना की, ये 9 की 9 विधानसभाएं जो है हम यहाँ पर जो है यहाँ पर कमल का फूल खिलाएंगे। और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो आके हमें यही गाइड करके जा रहे हैं कि जो बूथ हम लोग हारे हैं उन बूथ पे अपने आप को कैसे मजबूत किया जाए। तो वहाँ पर जो बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं और जो पन्ना प्रमुख हैं, उन सबको जो है वो प्रेरणा देने के लिए, उन सब के अंदर उत्साह भरने के लिए ये बैठकें चल रही हैं। सिरसा नेशनल कॉलेज में फैल रहे नशे के वायरल वीडियो को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में शामिल है नशे को जड़ से खत्म करना। उन्होंने कहा कि मेरा स्वयं का पूरा प्रयास है कि सिरसा व आसपास के क्षेत्र के युवा नशे से दूर रहें। इसके लिए वे हर संभव प्रयास भी कर रही हैं। पूर्व सांसद तंवर द्वारा किए गए नेशनल कॉलेज में नशे के व्यापारी युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रहे वीट पर पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद सुनीता दुगल ने कहा कि वे मेरे सीनियर हैं, उन्हें इस तरह का ट्वीट करने की बजाय कोई सलाह देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि तंवर भी सिरसा से 5 साल तक सांसद रहे हैं और वे मेरे सीनियर हैं। उन्होंने कहा कि वे मेरा साथ दें और यह बताएं कि हम किस तरह से सिरसा के युवाओं का नशे से दूर रख सकते हैं। न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। वीडियो वायरल हुआ था सिरसा नेशनल कॉलेज में, कोई नशे का जो सिरिंज वगैरह मिली वायरल किया गया था, उस पर अशोक तंवर ने एक ट्वीट किया आज कि नशे के सौदागर लगातार कॉलेज में नशा दे रहे हैं लेकिन सरकार इसको रोकने में विफल हो रही है, नाकाम हो रही है। देखिए ऐसे है कि ये तो ऐसा मुद्दा है, मैं तो ये चाहती हूँ कि उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, 5 साल तक वो सांसद रहे हैं, कि वो मेरा साथ दें किस तरह से हम यहाँ से बच्चों को जो है नशे से दूर कर सकें, हमारे नौजवानों को नशे से दूर कर सकें। मैं आह्वान करती हूँ उनका, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, वो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने समय में और मैं तो ये चाहती हूँ कि वो हमें सहयोग करें, जो उन्होंने एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, उसके हिसाब से हमें बताएं वो कि हमें क्या करना चाहिए। और मैं पुरजोर मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे नौजवान यहाँ से नशे से दूर हों और उसमें मैं कामयाब होंगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि सांसद बनने आपकी पहली प्राथमिकता यही बिल्कुल यही है और जहाँ कहीं पे भी मैं जाती हूँ मेरी सिर्फ और सिर्फ यही
जो कोशिश रहती है कि मैं अभी कल की मैं अगर बात करूं तो धोतड़ गांव में वहां पे हम गए और वहां के सरपंच ने इतना अच्छा, वहां के बच्चे जो हैं बिल्कुल देखने से ही लगता है कि खिले हुए बच्चे बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो गांव काफ़ी दूर है नशे से। और इसी तरह से हमें सभी सरपंचों को प्रोत्साहन अगर हम देंगे और उनको हम कहेंगे कि वो अपने सभी जो भी वहाँ के लोग हैं उनको अगर वो जागरूक करें तो मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे इससे निजात पा लेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि बजाय कुछ भी इस तरह का करने के उनको सहयोग करना चाहिए। मैडम एक और वीडियो वायरल है कि जो महिला कॉलेज में हरियाणा की पहली महिला ड्राइवर है वो बसों को लेकर जाती है, कुछ लड़के हमेशा छेड़ छाड़ करते हैं लड़के, तो उसने ड्राइवर ने खुद लड़के को भाग के पीछे दो प्लोट पकड़ के उसकी पिटाई की, तो उसको कैसे, हालांकि पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम उनको इसको सम्मानित भी करने के भैया उसको सराहना कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि महिलाओं को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, बहुत अच्छी वो अपने काम में दक्ष हैं और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं जब उस बस में जाती हैं। और आप देखिए वो बस जो है बिल्कुल भरी हुई होती है जब भी वो उनको बेटियों को लेकर जाती हैं, और ये सबक मिलना चाहिए। देखिए जो भी कोई इस तरह की हरकत करता है बेटियों के साथ तो उसको ये सबक ज़रूर मिलना चाहिए।